हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था जब मैं क्योर स्किन ऐप पहली बार ट्राई कर रही थी कि जैसे ही मैं मेरा एक महीना पूरा होता है इसके साथ में, आई एम गोइंग टू शेयर माय फुल एक्सपीरियंस विद यू गाइस सो दैट यू कैन मेक योर माइंड बेटर। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ क्योर स्किन ऐप के साथ में। मुझे एक महीने से ज़्यादा हो चुका है और आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू गाइस। सो मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जब मैं पहली बार क्योर स्किन ऐप ट्राई कर रही थी, और उस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपसे शेयर की हुई है कि कैसे ये काम करता है, क्या इसमें आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए क्योर स्किन ऐप से। ये वीडियो उस वीडियो के कंटिन्यूएशन में है, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई अर्ज यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। उसका लिंक मैं यहाँ पर आपको दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इस वीडियो के बाद भी अगर आप देखना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार देख लेना। फिर भी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए मैं इसमें भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना चाहती हूँ क्योर स्किन ऐप के बारे में। जब भी आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, आपको पिंपल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, आपको एक्ने ब्रेकआउट होता है, तो आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हो, है ना। और वो आपको जो भी आपकी स्किन प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आपको सोल्यूशन देते हैं। तो यही चीज़ क्योर स्किन ऐप आपको प्रोवाइड करता है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही आपको अपना स्किन ट्रीटमेंट मिलेगा। जो डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो आपके स्किन को अच्छे से एनालाइज करके उसके हिसाब से आपको एक स्किन रेजिमन, स्किन केयर रेजिमन बनाकर देते हैं। और आपको एक्स्ट्रा फी पे करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार कंसल्टेशन के लिए आपको विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। जितने का आपका प्रोडक्ट होगा सिर्फ उतना ही आपको पेमेंट करना होगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि ऑनलाइन कैसे कोई किसी के स्किन को एनालाइज करके सॉल्यूशन दे सकता है, तो दैट्स द नाइसेस्ट थिंग अबाउट दिस क्योर स्किन ऐप। जब आप लॉगिन करते हो, जब आप साइन अप करते हो ऐप में, तो आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोला जाता है, और आपके फ़ोटो को अच्छे से स्कैन करके जो छोटी से छोटी डिटेल है वो स्कैन कर लेता है ये ऐप। कुछ छोटा सा एक्ने है कहीं पर या फिर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें ये अच्छे से स्कैन कर लेता है। इवन आई वॉज सरप्राइज्ड। स्कैन करने के बाद में वो आपसे खुद पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि वो ज़्यादा अच्छे से आपके मेडिकल बैकग्राउंड के बारे में, आपके हेल्थ कंडीशन के बारे में समझ सके और उसके हिसाब से आपको वो प्रोवाइड कर सकें प्रोडक्ट्स। मैं इस वीडियो में मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस और मुझे जो प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि सबके स्किन प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं। जो मुझे प्रॉब्लम है ज़रूरी नहीं आपको भी वही प्रॉब्लम्स हो, राइट। तो जो प्रोडक्ट्स मुझे रिसीव हुए हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, और मैं ये आपको बताऊंगी कि उन्हें कैसे यूज़ करना है और किस तरह से वो मेरे लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहती हूँ। पहली बात ये कि आई डोंट हैव एनी मेकअप ऑन माय फेस राइट नाउ, और लास्ट वीडियो में मैंने दिखाने के लिए कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे अपनी स्किन प्रॉब्लम को, तो वो भी मैं आपको कहीं पर इंसर्ट करके दिखा दूंगी कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स थे ऑलरेडी और कितना उनमें सुधार हो चुका है, वो भी आप देख पाएंगे खुद से। तो जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, मुझे एक हफ्ते हुए थे क्योर स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए। पहले दूसरे हफ्ते में मुझे उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं समझ में आया, तीसरे चौथे हफ्ते में मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखाई दिए। ये वाला जो है, ये वाला एरिया मेरा कंसर्न्ड एरिया था, यहाँ पर मुझे काफ़ी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी और मेरा कुछ एक्ने मार्क्स था यहाँ पे। अभी काफ़ी ज़्यादा लाइट हो चुका है। इस चीक में मुझे एक पिंपल था तो वो भी जा चुका है, मार्क्स भी उसका जा चुका है। थोड़ी बहुत मुझे यहाँ पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी, वो भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा लाइट हुआ है। मेरे अंडर आइज बहुत ज़्यादा बैगी थे और बहुत ही ज़्यादा डल दिखते थे मेकअप के बिना, तो आई थिंक उसमें मुझे ज़्यादा इफेक्ट दिखाई दिया। तो मेरे स्किन कंसर्न के हिसाब से मुझे चार प्रोडक्ट्स रिसीव हुए थे। पहला है ये फेस वॉश, ये एक फोमिंग फेस वॉश। दूसरा है ये सनस्क्रीन। तीसरा एक अंडर आई क्रीम है, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे डार्क सर्कल की काफ़ी प्रॉब्लम थी। और चौथा है ये कोजिक एसिड क्रीम, ये मार्क्स और पिगमेंटेशन के लिए होता है। मैं बारी बारी से आपको बताने वाली हूँ और दिखाने भी वाली हूँ कि इन्हें कैसे यूज़ करना है। ये जो स्किन केयर रूटीन है चार प्रोडक्ट्स का, ये आपको डे टाइम स्किन केयर रूटीन और नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन दोनों में यूज़ करना है, ठीक है। तो डे टाइम स्किन केयर रूटीन मैं आपको पहले दिखा देना चाहती हूँ। उसमें मुझे सबसे पहले ये फेस वॉश यूज़ करना होता है। ये एक फोमिंग फेस वॉश है और ये बहुत ही ज़्यादा जेंटल है आपके स्किन पे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि फेस वॉश यूज़ करने के बाद में आपको आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई, बहुत ज़्यादा खिंची हुई सी फील होती है, बट दैट्स नॉट द केस विद दिस फेस वॉश, बिकॉज ये वाला जो फेस वॉश है डज नॉट स्ट्रिप योर नेचुरली एग्जिस्टिंग ऑयल्स, और इसलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और फेस वॉश इज़ अ पार्ट ऑफ माई स्किन डे टाइम स्किन केयर रूटीन एज वेल एज माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। राइट आफ्टर द फेस वॉश, डे टाइम स्किन केयर रूटीन में नेक्स्ट स्टेप मेरा होता है ये सनस्क्रीन का। अब ये वाला जो है ये मेरा लास्ट स्टेप भी है डे टाइम स्किन केयर रूटीन में, क्योंकि ये जो सनस्क्रीन है ये मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। ये काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, इसमें SPF 30 है और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट फील होता है आपके स्किन पर। सबसे अच्छी चीज़ मुझे सनस्क्रीन की ये लगी कि आप ये चीज़ नोटिस करना, कभी भी आप कोई सनस्क्रीन अप्लाई करते हो ना, कोई चीप क्वालिटी का या फिर कोई ऑर्डिनरी सा सनस्क्रीन, तो
अप्लाई करने के तुरंत बाद आपके फेस पर बहुत ज़्यादा एक वाइट कास्ट जम जाता है। अगर आप लाइटर स्किन टोन के हो तो फिर भी वो ठीक है, पर डार्क स्किन या फिर मीडियम स्किन में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है अगर आपके आपका फेस बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा है। और आई थिंक मेरा स्किन केयर रेजिमेंट कंप्लीट होने के बाद भी आई एम गोना रीपर्चेज दिस सनस्क्रीन फ्रॉम द ऐप। ये वाला जो सनस्क्रीन है इसे मुझे पी साइज अमाउंट में लेना होता है, और उसको लेने के बाद में अच्छे से मैं इसे अपने पूरे फेस पर और जो भी एक्सपोज्ड एरियाज है वहाँ पर लगाकर मसाज कर लेती हूँ। एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस सनस्क्रीन। दिस सनस्क्रीन हैज़ टू बी माई फेवरेट अमंग एवरीथिंग। तो ये जो दो स्टेप्स हैं इसमें मेरा डे टाइम स्किन केयर रूटीन खत्म हो जाता है। अब नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन के लिए अगेन मुझे ये फेस वॉश यूज़ करना होता है। सोने से पहले प्रेफर करती हूँ मैं ये नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन करना, और फेस वॉश यूज़ करने के बाद में डायरेक्टली आई लाइक टू अप्लाई दिस अंडर आई क्रीम। ये अंडर आई क्रीम भी मेरा नेक्स्ट फेवरेट है। सनस्क्रीन और अंडर आई क्रीम जो है आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड विद दीज टू। इसमें नायासिनामाइड, अगर आपकी स्किन अंडर आई स्किन ड्राई है डल है तो ये काफ़ी ज़्यादा उसे मॉइस्चराइज रखेगा। ओवर द टाइम रेगुलर यूज़ करने से आपको जो डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, आपको जो डल अंडर आईज की प्रॉब्लम है, वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। लास्टली मेरे नाइट टाइम स्किन के रूटीन में मुझे ये कोजिक एसिड क्रीम यूज़ करना होता है। इसका बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट आपको लेना होता है। पहले मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही थी तो हाँ, एक और बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसके जो कंसल्टेंट होते हैं, जो भी क्योर स्किन ऐप में आपको चैट सपोर्ट मिलता है, जो भी कंसल्ट आपको कर रहे होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव होते हैं। तो वो बीच बीच में दे चेक अप ऑन यू कि आप सही से यूज़ कर रहे हो या नहीं, या फिर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है या नहीं, या फिर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो इस पूरे स्किन केयर रेजिमेन में। तो वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंडेबल लगा। इसको आपको अपने पिगमेंटेड एरियाज़ में यूज़ करना होता है। तो मेरा, जैसे कि मैंने बताया, ये वाला एरिया मुझे काफ़ी पिगमेंटेड लगता है। इसके साथ में आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा। जो पिगमेंटेशन है वो जल्दी रिड्यूस नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत केसेस में ये हार्मोनल होता है, बहुत केसेस में ये जो आपको लॉन्ग टाइम से जो सन एक्सपोजर आपका हो रहा होता है उसकी वजह से हुआ होता है। तो इसीलिए पिगमेंटेशन को जाने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसके साथ आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। जो एक्ने मार्क्स वगैरह होते हैं वो तो इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से काफ़ी जल्दी चले जाते हैं, पर पिगमेंटेशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डीपली रूटेड होता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा विद योर पिगमेंटेशन एंड विद दिस प्रोडक्ट, ताकि ये प्रोडक्ट अच्छे से आपके स्किन पर काम कर सके। और थोड़ा टाइम लगेगा, स्लाइटली आपका पिगमेंटेशन भी रिड्यूस होगा। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इस ऐप के साथ में बहुत अच्छा रहा। आई टोटली लव हाउ माई स्किन फील्स राइट नाउ। और जैसा कि मैंने बताया, दो चीज़ें एब्सोल्यूट फेवरेट है मेरी, जो सनस्क्रीन और अंडर आई क्रीम। और ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट देखे वो आपको भूल जाते हैं, आपको बीच बीच में कॉल्स भी आते हैं टू चेक योर इम्प्रूवमेंट्स एंड नीड्स, और उनका चैट सपोर्ट जो है, कभी भी आप अपनी स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या फिर आपको जो स्किन केयर रेजिमेन है उसके साथ में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप जाकर पूछ सकते हो उनसे, आपको रिस्पॉन्स मिलता है वहां पर अच्छे से। और आई विल टोटली रिकमेंड दिस टू यू गाइज। सो यस एवरीबडी, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट इन्फॉर्मड वेन एवर आई अपलोड अ वीडियो। इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट मी पर्सनली, दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, यू कैन गिव इट अ फॉलो, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाई।